ये बात साल 2018 की है। अक्टूबर का महीना था, तब मध्य प्रदेश में चुनाव होना था। आचार संहिता लागू हो चुका था, पुलिस पूरे फॉर्म में थी, गली गली गुंडे बदमाशों को तलाश रही थी। तभी उज्जैन में पुलिस ने एक गैंग को पकड़ा, ऐसा गैंग जो सोशल मीडिया पर विज्ञापन देकर गुनाहों का ठेका लेता था, जिसके ज्यादातर गुर्गे नाबालिग थे, जिसका सरदार भी नाबालिग था। नाबालिग लड़कों के साथ मिलकर गिरोह चलाने वाले उस लड़के का नाम था दुर्लभ कश्यप। कच्ची उम्र में अपने हाथों से क्राइम की पक्की कुंडली लिखने वाले दुर्लभ कश्यप की ख्वाहिश टॉप गैंगस्टर बनने की थी। अपने इस ख्वाब को मुकम्मल करने के लिए दुर्लभ कश्यप ने अपराध के स्थापित सिद्धांतों को ध्वस्त कर दिया। उसने गुनाहों की नई लकीर खींची। सिर्फ 4 साल की क्राइम लाइफ में उसने ऐसा आभा मंडल तैयार कर लिया था जो भयावह सा था। हालांकि उसका अंत भी वैसा ही हुआ जैसे हर हिस्ट्री शीटर का होता है। 18 साल से भी कम उम्र में उज्जैन को आतंकित करने वाले दुर्लभ कश्यप का जन्म 8 नवंबर 2000 को हुआ था। दुर्लभ कश्यप की मां सरकारी स्कूल में टीचर थी, जबकि पिता कारोबारी। दुर्लभ के जन्म के बाद ही माता पिता अलग रहने लगे थे। दुर्लभ के पिता इंदौर शिफ्ट कर चुके थे, जबकि मां उज्जैन में ही रहती थी। बचपन में दुर्लभ अपनी मां के साथ ही रहता था, स्कूल जाता था, पढ़ने में काफी तेज तर्रार था। कहते हैं कि दुर्लभ धुन का पक्का था, समझदार था, हर शेड्यूल फॉलो करता था। बीच बीच में वो इंदौर जाकर पिता के पास रहता था। उसके पिता मनोज कश्यप ने एक इंटरव्यू में बताया था कि दुर्लभ सुबह 4 बजे सोकर उठता था, फुटबॉल खेलता था, शाम में बास्केटबॉल की ट्रेनिंग लेता था, वो बेहद फुर्तीला था। हालांकि बताया ये भी जाता है कि जब वो स्कूल में पढ़ रहा था तभी से उसके दिमाग में खुराफात घूमने लगा था। किताबी ज्ञान से ज्यादा अपराध का पाठ पढ़ने लगा था। मारपीट उसकी आदत में शुमार होने लगी। वो गणित का सवाल सॉल्व करने की बजाय सीनियर जूनियर के झगड़े को सुलझाने लगा था। धीरे धीरे स्कूल में उसका दबदबा बढ़ने लगा। स्कूली बच्चे उसके नाम की कसम खाने लगे थे। फिर क्या था, दुर्लभ कश्यप ने कलम छोड़कर क्राइम में ही कैरियर बनाने के लिए माथा पच्ची करने लगा। 2016 की बात है, अप्रैल मई का महीना था। उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ लगा था, साधु संतों की भीड़ लगी थी। साधु संतों के कैंप में एक लड़का हर फिक्र को धुएं में उड़ाता हुआ बेफिक्र घूम रहा था। वो साधुओं को करीब से ऑब्जर्व कर रहा था, साधुओं की तरह बाल, साधुओं की तरह नशा करने लगा था। सिंहस्थ कुंभ खत्म होते होते वो लड़का महाकाल की नगरी में काल बनकर भौकाल मचाने लगा। वो लड़का दुर्लभ कश्यप ही था। सिंहस्थ कुंभ खत्म होने के बाद दुर्लभ कश्यप ने एक गैंग बनाया, जिसका मकसद लूटपाट, वसूली, रंगदारी और उगाही करना था। दुर्लभ कश्यप सोशल मीडिया का कीड़ा था, उसने सोशल मीडिया को ही सीढ़ी बनाई। सोशल मीडिया पर ही गैंग तैयार किया, सोशल मीडिया पर ही वो अपने आतंक को आकार देने में जुट गया। दुर्लभ कश्यप के गैंग में छोटे छोटे नाबालिग लड़के शामिल थे। पूरा गैंग सोशल मीडिया के जरिए जुड़कर एक चेन की तरह काम करता था। दुर्लभ ने अपने गैंग का एक ड्रेस कोड बनाया, माथे पर लाल टीका, आंखों में काजल, गर्दन पर काला गमछा और लंबे बाल। जैसा और जिस तरह दुर्लभ कश्यप दिखता था, ठीक उसी तरह उसके गैंग के तमाम गुर्गे दिखते थे। एक ही स्टाइल में सारे बारूदी गुर्गे रहते थे। सब खुद को दुर्लभ कश्यप कहता था। ये पहला गैंग था जिसका अपना ड्रेस कोड था। ये गैंग जब भी कोई कांड करता था उसके बाद तस्वीर खींचता और फेसबुक पर अपलोड कर देता था।
सब कुछ खुल्लम खुल्ला हो रहा था। कहते हैं कि दुर्लभ कश्यप ने एक व्हाट्सएप पर भी ग्रुप तैयार कर रखा था, जिस पर अपराध पर विस्तार से चर्चा होती थी, हर कांड के बारे में डिस्कस होता था, हर कोई दुर्लभ के आदेश को फॉलो करता था। गूगल पर ऐसी कई तस्वीरें दिखती है दुर्लभ कश्यप की। ऐसे ही उसके गैंग के तमाम गुर्गे नशा करते थे, लेकिन जब जब ये गैंग कोई कांड करने जाता था तब कोई नशा नहीं करता था। ये दुर्लभ गैंग का अनलिखा नियम था। इसके लिए दुर्लभ ने सबको महाकाल के नाम की शपथ दिलाई थी। एक और बात ये कि खूनी वारदातों के लिए बाहर के बच्चों का भी ये लोग इस्तेमाल करते थे। अपराध करने के बाद इन्हें नाबालिग होने का भी फायदा मिलता था। 2 सालों में दुर्लभ कश्यप के ऊपर 9 आपराधिक मामले दर्ज हो चुके थे। साल 2018 में दुर्लभ कश्यप ने फेसबुक अकाउंट पर अपना बायो अपडेट किया और उसमें लिखा कि कुख्यात हत्यारा, बदमाश, पेशेवर अपराधी, कोई भी केस सुलझाना हो, विवाद करना हो, मुझसे संपर्क करें। अपने नाम के आतंक को विस्तार करने के लिए दुर्लभ कश्यप दुकानों पर जाकर धमकाता, रंगदारी वसूलता। उसके गुर्गे भी उसी के अंदाज में रंगदारी वसूलने लगे। बताते हैं कि अपना विवाद सुलझाने के लिए लोग दुर्लभ कश्यप से संपर्क करने लगा। दुर्लभ और उसके गैंग के पास तमाम हथियार आ चुके थे। दुर्लभ उज्जैन में आतंक का पर्याय बन चुका था। हालांकि पैसे लेकर दूसरे के मामले को सुलझाते सुलझाते दुर्लभ कश्यप के कई गैंग से दुश्मनी हो चुकी थी। 2018 में चुनाव से ठीक पहले 27 अक्टूबर को दुर्लभ कश्यप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ उसके गैंग के 23 गुर्गे गिरफ्तार हुए। जिस वक्त दुर्लभ कश्यप पुलिस की पकड़ में आया था तब वो 18 साल का भी नहीं हुआ था, लिहाजा उसे पुलिस ने बाल सुधार गृह भेज दिया। हालांकि 8 नवंबर के बाद जब वो बालिग हो गया तब उसे जेल शिफ्ट कर दिया गया। करीब 2 साल तक वो जेल में रहा। दुर्लभ के जेल में रहते भी उसका गैंग एक्टिव था। 2020 में जब कोरोना के कहर की वजह से जेल से भीड़ कम की जा रही थी तब दुर्लभ कश्यप को भी जेल से छोड़ा गया था, वो घर लौट गया। 2020 की रात में कुछ दोस्त दुर्लभ से मिलने उसके घर पहुंचे। रात के करीब 1:30 बजे दुर्लभ अपने दोस्तों के साथ एक चाय की दुकान पर पहुंचा। वहीं पर उसका टकराव उसके जानी दुश्मन शाहनवाज और उसके गैंग से हो गया। ये शाहनवाज का ही इलाका था, लिहाजा दुश्मन गैंग दुर्लभ पर भारी पड़ गया। अपने बचाव के लिए दुर्लभ ने गोलियां चलाई लेकिन वो बच नहीं पाया। दुर्लभ कश्यप वहीं मारा गया। जब मारा गया था दुर्लभ कश्यप तब वो 20 साल का भी नहीं हुआ था। वो अपराध की दुनिया में 4 साल ही रहा, उसमें भी 2 साल सलाखों के पीछे। हर गैंगस्टर की तरह दुर्लभ का भी अंत हो गया, लेकिन वो सीख दे गया कि अपराध का आभा मंडल भले ही जितना चमकदार दिखे उसके अंदर अथाह अंधेरा ही रहता है। अगर आप गुनाह, राजनीति, खेल या किसी भी क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाली किसी भी शख्सियत के बारे में विस्तार से जानना सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।